एनएसएस लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना किसके साथ है? अमरावती लोकसभा चुनाव के उत्सव में हर छोटा बड़ा दल अपनी अपनी क्षमता से सक्रिय है, जो राजनीतिक दल कभी देखने सुनने को नहीं मिलते वे भी आगे आ रहे हैं। अमरावती में 24 उम्मीदवार मैदान में कायम है। सेना भाजपा युति के वर्तमान सांसद आनंद राव अड़सुल, संयुक्त प्रगतिशील आघाड़ी की निर्दलीय युवा स्वाभिमान पार्टी नवनीत राणा, वंचित बहुजन आघाड़ी के गुणवंत देवपारे, बसपा सपा युति के अरुण वानखेड़े और 20 उम्मीदवार अलग अलग पार्टियां तथा निर्दलीय है। मगर इन सब के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का दिल कहा है, इस बात को लेकर संभ्रम बना है। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी राज ठाकरे की भूमिका इंतजार कर रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ खुलेआम भूमिका अपनाई। अपने व्यंग चित्रों और आक्रामक बयानों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस महाआघाड़ी में मनसे का समावेश करने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राजी थी, मगर उत्तर भारत विरोधी भूमिका के चलते कांग्रेस ने इनकार किया। दूसरी ओर सेना भाजपा युति में भी मनसे को स्थान नहीं मिला। कुछ दिन पूर्व राज ने शरद पवार से मुलाकात भी की, मगर फिलहाल मनसे कहा है यह कोई नहीं जानता। आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है। मनसे सैनिक संभ्रमावस्था में है और अब खबर आ रही है कि अब मनसे करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार। तो एमएनएस न्यूज़ वाई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।